हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग करके बताएंगे Vivo Y21 का। दोस्तों ये मोबाइल हमने परचेज किया है। दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेगा बॉक्स में और इसका क्या वेरिएंट है, क्या फीचर है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे और इस मोबाइल का हमें क्या प्राइस लगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको ये मोबाइल कैसा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हम करते हैं ओपन। दोस्तों बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले मोबाइल मिल जाता है। इस मोबाइल को हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों हमारा ये मोबाइल है, इसका हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस बॉक्स में क्या है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप पढ़ सकते हैं या फिर मतलब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स में ये एक मोबाइल का बैक कवर मिलेगा जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसके बाद ये एक सिम इजेक्टर टूल है जो आप सिम को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये एक एडेप्टर चार्जर है जो फास्ट चार्जिंग है, आपके मोबाइल को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। और ये हमारे पास एक सी टाइप की केबल है, USB केबल। तो दोस्तों इनको रख देते हैं साइड में और मोबाइल को ऑन करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा मोबाइल, इसको हम इस हम प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं। देखिए दोस्तों कितना बिल्ड क्वालिटी का मोबाइल है, बहुत ही अच्छा है। और ये आपको इतनी कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा वेरिएंट मिल जाता है। देखने में बहुत ही स्मूथ और अच्छा मोबाइल दिख रहा है। इसमें आपको कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दोस्तों ऊपर से मोबाइल को देखने में ये आपको ऐसा लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पंच होल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। दोस्तों ये कैमरा कितना मेगापिक्सल का है वो आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप इस मोबाइल में 2 सिम और 1 SD कार्ड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट में बात करें तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और इसके साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और दोस्तों ऊपर ये बटन है जो आपका वॉल्यूम अप और डाउन का बटन दिया हुआ है। और दोस्तों नीचे बॉटम में बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटर में सी टाइप चार्जिंग पिन दी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये आपको एक छोटा सा माइक दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको माइक और हेडसेट की पिन दी हुई है। और दोस्तों पीछे बात करें तो यहाँ पर आपको कैमरे दिए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दोस्तों लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों ये मोबाइल दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। और दोस्तों इसकी कलर की बात करें तो ये डायमंड कलर का मोबाइल है। ये आपको 3 कलर में मिल जाता है, गोल्ड, डायमंड और ब्लैक कलर। तो चलिए दोस्तों अब मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों मोबाइल को हमने ऑन कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर ये मोबाइल स्टार्ट होते समय लोडिंग ले रहा है। दोस्तों इसकी लोडिंग खत्म हो चुकी है। और दोस्तों हम आपको मोबाइल में चलकर दिखाते हैं कि इसका कैमरा, बैटरी, सारा फीचर क्या है। तो चलिए दोस्तों हम इस मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं इसके सारे फीचर। दोस्तों सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे चलते हैं। दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना है। दोस्तों अबाउट फोन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप प्रोसेसर देख सकते हैं, 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है। और दोस्तों रैम की बात करें तो 4.00+1 GB का आपको रैम मिल जाता है। और दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आपको 12 मिल जाता है। और दोस्तों मोबाइल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 GB का स्टोरेज मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और दोस्तों ये मोबाइल 18 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और दोस्तों इस मोबाइल की रैम रोम की बात करें तो 4GB रैम है और 64GB आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाती है। और दोस्तों इस मोबाइल के कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको 5 MP का मिल जाएगा। और दोस्तों रियर कैमरे की बात करें तो ये आपको 13 MP का मिल जाएगा। और दोस्तों कैमरा टेस्टिंग का वीडियो है वो आपको आगे मिल जाएगा। मैं आपको इस मोबाइल को यूज करके 15 डे या फिर 1 मंथ में आपको बता दूंगा कि इस मोबाइल का जो कैमरा है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। आपके लिए अच्छा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में।